अब मैं आपसे पूछूंगी आगे जो बातें आपकी ओर से कही गई हैं, आखिर सही इतिहास लिखने से किसने रोका है? आप इतिहास में कमियों को बता रहे हैं, आपने उसके ऊपर प्रकाश भी डाला, आपने बहुत सारे पन्ने भी लिख डाले हैं, लेकिन सही इतिहास लिखने से किसने रोका, इस सवाल का जवाब दीजिएगा। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, ये बात तो सच है ना, मुगलों को जिस तरह से महिमा मंडित करके दिखाया गया, या मुझे तो बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल भी याद आते हैं जिसमें बचपन में अब जिस रूप में उनको दिखाया जाता था, उसके मुकाबले हमारे महापुरुषों की गाथाएं कम मिलती हैं। जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में बताएंगे नहीं कि देश को किस तरह से आजादी मिली, या उसके पहले मध्ययुगीन काल में भी किन किन लोगों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, तब तक वो सच देश के सामने नहीं आएगा। और अगर बीजेपी उसको बदलने की बात बोल रही है तो फिर क्या गलत कह रही है? मृत्युंजय जी, देखिए चित्रा जी, बीजेपी का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना, इनके मनसा पर सवाल खड़े होते हैं। बीजेपी जिस इतिहास को, नया इतिहास लिखने की बात कर रही है, वो नया इतिहास लिखे, लेकिन तथ्यों के आधार पर जो इतिहास बने हैं उसे कैसे कोई मिटा सकता है? अगर बीजेपी ये चाहती है कि गांधी जी का इतिहास मिटा दे, गोडसे जी का इतिहास लोगों को पढ़ाए, तो ये भी संभव नहीं है। नया इतिहास जो बनते हैं, नए उस इतिहास उसको भी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं, लेकिन पुराने इतिहास को जो लोग कह रहे हैं कि मिटा करके नया इतिहास को लिखेंगे, बताएंगे, इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि इसमें भी वो इतिहास में भी भगवाकरण करना चाहते हैं। बीजेपी की मंशा कुछ और है। अभी कांग्रेस के हमारे भाई बोल रहे थे अखिलेश जी कि आरएसएस का आप इतिहास बताएंगे, लोगों को पढ़ाएंगे, यही काम रह गया है। इसलिए ये जो बात आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही, नया इतिहास तो चित्रा जी रोज बनते हैं, और जो पुराने इतिहास हैं उसको भी मिटना नहीं चाहिए, लेकिन ये क्या चाह रही है? इनकी मंशा ये है कि हम उन इतिहास जो लिखे हुए हैं उनको दरकिनार कर नए इतिहास में हम अपने आरएसएस और बीजेपी का भगवाकरण का एजेंडा लाए। इनका मुख्य मकसद ये है। ये तो इसमें इतिहास को छेड़छाड़ करने से कम इस सरकार को बाज आना चाहिए, नहीं तो हम लोग देख ही रहे हैं हर जगह स्टेशन के नाम बदले जा रहे हैं, बहुत सारे चीजें कोई बदले गए, कहते हैं मुगलों को बहुत महिमा मंडित किया गया है इस देश में। देखिए चित्रा जी, नहीं देखिए चित्रा जी, मुगलों को महामंडित किया गया या इतिहास के पन्नों में है, और नए इतिहास भी हैं, आजादी के बाद के इतिहास को भी आज हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं जान रहे हैं। और बार बार इसी चीज को मुगलों और औरंगजेब को लेकर के बीजेपी चिंता जताती है, और वर्तमान में इतिहास में वो क्या काम कर रहे हैं ये न बताए जो आने वाला पीढ़ी पढ़ेगा, फिर हमारा इतिहास और संविधान बचेगा कि नहीं, इसकी चिंता इनको नहीं है, लेकिन ये मुगलों की चिंता ज्यादा कर रहे हैं। नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं, इनकी चिंता नहीं है, इसलिए इनका नियत साफ नहीं है बीजेपी का, इसलिए ये इस तरह की बात करके असली मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं।